सिंगल मिंगल दोस्तों को मेरा सलाम। तो कैसे हो तुम सब लोग? तुम सब लोग सही हो सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं आज सुबह सवेरे उठा तो मेरा अपना व्हाट्सएप जब मैंने देखा तो मेरे स्टूडेंट का एक मुझे मैसेज आया कि सर जी, ओ सर जी, यूट्यूब बैन होने लगी है। तो मैं समझा है मेरा कोई नालायक शिगिर्द है, कोई चवल मार रहा है या कोई मजाक कर रहा है, कोई मेरे नाल या प्रैंक इदा का कोई कर रहा है। तो जब मैं फिर फेसबुक खोली, इंस्टा खोला, ट्विटर खोला तो चल रही थी। तो मैं क्या, नहीं भाई, मेरा नालायक शिगिर्द चवलियाँ नहीं मार रही है, बल्कि सच्ची गल कर रही है। क्यों मियाँ साहब, किवें गल है, सच्ची गल है? देखो मसला क्या है, तुम लोगों को ऐसे लग रहा है कि लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो लोगों में नफरत फैला रहा है, या इस तरह। अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो यार ऐसा कोई लॉ बना दो, कोई कानून बना दो, कोई भी अगर इस तरह का मवाद अपलोड करेगा तो उसको सीधी सीधी सज़ा होगी। इतनी सज़ा होगी, उसको जेल में डाला जाएगा, उसको जुर्माना होगा, उसको पंजाब पुलिस का पांजा लगेगा। काम आसान है, कोई बनाएगा ही नहीं, कोई इस तरह का मवाद अपलोड नहीं करेगा, क्योंकि एक लॉ होगा, एक कानून होगा, पूरे का पूरा चेक और बैलेंस होगा। और बैलेंस वो वाला नहीं जो सभा मांगती है, दूसरे वाला। लेकिन यार यूट्यूब पूरे का पूरा ही बैन, यार एक कोई मजाक हो रहा है? भला ऐसा कोई फैसला कैसे कर सकता है? तुमको मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे कोई लाइब्रेरी है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग आते हैं और किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी में ना दो तीन किताबें ऐसी पड़ी हुई हैं जो कि सही नहीं है। तो तुम दो तीन किताबों की वजह से ना क्या पूरी की पूरी लाइब्रेरी को आग लगा दोगे? यार कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? मेरी समझ से बलातर है। आप लोग फिर कहते हो कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं आ रहा, अमेजोन नहीं आ रहा, बिल गेट नहीं आ रहा। यार बिल तो आ जाता है लेकिन गेट नहीं आता। वो जो बिल गेट है वो यहाँ सॉफ्टवेयर हाउस नहीं बना रहा। ओ भाई, वो कैसे बनाए? आप तो यूट्यूब ही बैन करने लगे हो, और उनका दिमाग ख़राब है? उन्होंने मत्थे में कोई इट बजी हुई है? वो अरबों खरबों का कारोबार क्या करते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, और वो कैसे आए? फिर आप यही बता दो जनाब। चलो मान लिया उनके सिर में से ना कोई इट बजी है और उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर भी दिया, तो कल को आप कह दोगे कि नहीं भाई, हम बैन कर रहे हैं, यहाँ कोई मजाक हो रहा है? ये तो कोई बंदर किला खेड़े जा रहा है। जिसका दिल किया जो मर्जी उठ के जनाब कर दो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूट्यूबर का नुकसान हो जाएगा। यार ये बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ यूट्यूबर का ही नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा अपना भी नुकसान होगा। तो मुझे ये बताओ कि यूट्यूब पे कौन नहीं है? जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब ने अपना अपना यूट्यूब पे अलग अलग चैनल बनाया हुआ है। जितने भी एंकर पर्सन हैं सब ने अपना अपना चैनल बनाया हुआ। सब तो वड्डी गल के यार जानी दी है, जो पूरी दुनिया नु हंसा रहा है और पूरी दुनिया उसको देखते हंसती है, उसकी बातें सुनती है, इतना मज़ा आता है, इतना इंजॉय करते हैं। उन यूट्यूबर का क्या बनेगा जो एक दिन में क्या करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बड़ी प्यारी प्यारी वीडियो जो हैं वो अपलोड करते हैं, उनका क्या बनेगा? वो बंदे जो सिर्फ कमाए यूट्यूब से रहें, उनका क्या बनेगा? यार मुझे बताओ, जो बंदे 10-10 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत की उन्होंने, उनका क्या बनेगा? कोई मूवी आती है तो वो हाइप क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, यूट्यूब पे उसका ट्रेलर अपलोड कर देते हैं। उसके अलावा आप ये जो सिंगर हो गए हमारे, जो क्या करते हैं, सॉन्ग अपलोड करते हैं यूट्यूब पे अपने आप। बिलाल सिद्ध को ही ले लो जनाब, जिसने हाल ही में क्या किया था कि एक अपना सॉन्ग अपलोड किया था। कौन सा वाला भला? मैं उच्चियाँ उच्चियाँ दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे। तो पता है उसको कितने व्यूज़ आए थे? 60 से 70 मिलियन व्यू आए थे। अब यही गाना अगर वो फेसबुक या इंस्टा पे डाल दे तो क्या इतने व्यूज़ आएंगे? क्या वो वहाँ से पैसे कमाएगा? और जहाँ पर यूट्यूब बैन हो सकता है वहाँ पर फेसबुक इंस्टा वगैरह कुछ भी बंद हो सकता है, उसकी भी क्या गारंटी है? क्या वो बचेंगे? और हाँ, सबसे बढ़कर नुकसान तो यूट्यूबर को ही होगा ना। ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 20-20 साल लगाए हैं, मैंने 5 माह लगाए हैं, और मुझे पता ही नहीं है कि मैंने इन 5 महीनों में कितना टाइम दिया यूट्यूब को। अगर मैंने इतना टाइम अपने किसी मशहूक को दिया होता ना, तो उसे मेरे नाम के नारे मारा करना थे। मैं अपने आप को एक साइड पे रख देता हूँ, वो लोग जिन्होंने 10-10 साल या 20-20 साल दिए हैं यूट्यूब को, उनका क्या बनेगा? और तुम कह रहे हो कि यूट्यूब बैन हो जाएगी। फिर ये कहते हैं कि हमारे नौजवान यहाँ से डिग्री लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। भाई आप उन नौजवानों को रहने नहीं देते? अगर रहने दो तो वो रहे ना, उनका यहाँ पर वो कैसे रहेंगे? आपने तो उनकी सारी फैसिलिटी जो है वो रख ली है खुद, सब सबकी सब जो है वो आप बैन कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? वो पहली फुर्सत में बाहर चले जाएंगे और दूसरी फुर्सत में वो अपनी फैमिली को अपने पास बुला लेंगे। भैया आप ऐसा करो कि इंटरनेट भी बंद कर दो। देखो यार, चाइना के साथ दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है कि चाइना जो कर रहा है वही हम सब ने भी करना है। चाइना के पास अपनी ऐप्स हैं, उनके पास अल्टरनेट है, तुम्हारे पास क्या है, घंटा? इन सब को आप एक साइड पर रख दो। आप यूट्यूब से कितना कुछ सीखते हो? मुझे कुछ पढ़ाई में मसला हो तो मैं यूट्यूब से ही सीखता हूँ। मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं किसी टीचर को हायर करूँ और उससे सीखूँ। तुम्हें मैं बताता हूँ, ये जो सब मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने बना रहा हूँ, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये मैंने सारा यूट्यूब से सीखा है। और आप कह रहे हो कि यूट्यूब बैन, और तुम मैनू यह दसो कि तुम कर की रहे हो? मेरे अलावा कितने लोग हैं जो यूट्यूब से रोज़ पता नहीं कितना कुछ सीखते हैं, कितने पैसे कमाते हैं? लेकिन ये सब ये नहीं चाहते, ये सब ये चाहते हैं कि हम सब वही पुराने तरीकों में ही रहें
जब कंप्यूटर की किताब मैं पढ़ रहा था ना, मैं आपको एक ये अपनी बात बता रहा हूँ कि जब हम कंप्यूटर की किताब पढ़ रहे थे ना तो मैट्रिक में, तो हमारी बुक में ना विंडो XP थी, और अब जब कि पूरी दुनिया विंडो 10 इस्तेमाल कर करके थक चुकी है और हमारी किताबों में अभी तक विंडो XP ही चल रही है, लोग चाहते ही नहीं हैं कि हम लोग जो हैं वो दुनिया के साथ चलें। भाई बजाय इसके कि तुम एक लॉ बनाओ, एक कानून बनाओ कि भाई ओ भाई इधर मेरी वीडियो मुझे सुनो, ये आप इस तरह का मवाद यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, पूरे यूट्यूब पे नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया पे आप इस तरह का मवाद नहीं डाल सकते जो नफ़रत अंगेज़ हो। तो एक ऐसा लॉ बना दो और उस पर सज़ा रख दो, आप पूरी यूट्यूब भी बंद करने लगे, आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि भाई हम कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम है वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती है, आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि आप यहाँ इन्वेस्ट करो, हमारा जब दिल किया हम बंद कर देंगे। अब यूट्यूब पर ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जो मज़े मज़े की वीडियो बनाते हैं और उनको यूट्यूब पर डालते हैं और पैसे कमाते हैं, उनका जो शौक है वो उसी से पैसे भी कमा रहे हैं, और जो बंदे का शौक और वो उसी से पैसे भी कमा रहा हो तो भाई उसकी ज़िंदगी तो जन्नत है, और आप उससे क्या कर रहे हैं, उससे जो उसकी जन्नत छीनने लगे हो। भाई इतने सारे लोग मौजूद हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे जो ये चाहते हैं कि हम भी यूट्यूब से पैसे कमाएंगे, हमारे भी मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे और हम पैसे कमाएंगे यूट्यूब से, और आप यूट्यूब भी बैन करने लगे, और जो इतने सालों से हैं उनकी मेहनत भी जाएगी कहाँ पर, टट्टे खूह में। अगर ये मेरी वीडियो आप लोग देखो ना, ये जिसने ये बात कही है कि हम यूट्यूब जो है वो बैन करने लगे और वह सुने, तो उनको यूट्यूबर का दर्द का एहसास होगा, क्योंकि अगर अब भी एहसास ना ना हुआ तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो नहीं बताऊँगा, और ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा यार। बस ठीक है यार, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ATC, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पता नहीं मुझे मेरा चैनल 1-2 दिन तक बच गया या नहीं बचेगा। अगर बच गया तो मिलते हैं फिर जनाब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।